हेलो गाइस, नमस्कार। आप सभी को समृद्धि कुकिंग चैनल में स्वागत है। आज मैं आंवले की बहुत ही अच्छी अचार बनाऊंगी। मेरे घर का ये रेसिपी है, आप लोग भी बनाइएगा। ये देखिए, सारे जो आंवले की चिन्ह है इसी पे मैं इस तरीके से काटूंगी। बहुत ही अच्छी अचार तैयार होती है। ये देखिए, आंवले को मैं काट कर धूप में सुखा ली 1 घंटे के लिए। और मसाले में मैं धनिया साबुत, गरम मसाला, काली मिर्च साबुत, मेथी, जीरा, सौंफ सारे 1-1 चम्मच ली हूँ। लहसुन 150 ग्राम को छील कर रख ली। 50 ग्राम लाल मिर्च साबुत, 200 ग्राम इमली का पेस्ट बनाई हूँ, 20 ग्राम उड़द दाल है, 20 ग्राम सरसों और 20 ग्राम चना दाल और अजवाइन ली हूँ। और ये देखिए, सरसों तेल में गरम कर चुकी हूँ। इसी में मैं आंवले को फ्राई करूंगी। इसे लो फ्लेम पे हमें फ्राई करना है। ताकि हमारे आंवले अच्छे से पक जाए। ये देखिए, धीरे धीरे ये ब्राउन होने लगा। अब आंवला फ्राई हो चुका है, मैं निकाल लेती हूँ इसे। अब मैं लहसुन को भी फ्राई कर लेती हूँ। इसे भी हल्की ब्राउन फ्राई करनी है। लाल मिर्च को भी फ्राई करना है इसी तरीके से। चना दाल को भी फ्राई कर लूंगी। मैं निकाल लेती हूँ। ये उड़द दाल को भी फ्राई करूंगी। और सरसों को भी इसी तरीके से कर लेना है फ्राई। ये आप लोग यूट्यूब पर भी अभी नहीं देखे होंगे,
ये नया रेसिपी है आप लोग के लिए। ये देखिए अब मैं मसाले को रोस्ट कर लेती हूँ। अजवाइन को भी थोड़ी सी रोस्ट करूंगी। अब मैं गैस के फ्लेम को ऑफ कर दी और उसी गरम तवे पे 2 चम्मच हल्दी पाउडर, 2 चम्मच लाल मिर्च पाउडर को गरम कर लूंगी। अब मैं मसाले को दरदरा बना लेती हूँ इस तरीके से, ज़्यादा बारीक नहीं करनी होती है। और इमली का पेस्ट जो बनाई थी वो डाल रही हूँ। लाल मिर्च और हल्दी पाउडर, अजवाइन डाल रही हूँ और मसाले जो बनाई थी मिक्स वो डाल देती हूँ। हींग 1 चुटकी, नमक 3 चम्मच, और सरसों तेल को मैं गरम करके ठंडा कर ली थी। 150 ग्राम सरसों तेल है, क्योंकि पहले भी मैं सारे चीज़ को फ्राई की हूँ सरसों तेल में, तो 150 ग्राम बहुत काफ़ी है। अब इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है। देखिए मसाला अच्छे से मिक्स हो गया है, हाथों से करने में अच्छे से हो जाता है। ये देखिए आप लोग ज़रूर बनाइएगा, बहुत ही टेस्टी तैयार होता है और ये कभी भी ख़राब नहीं होगा। और आप लोग हमारे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक शेयर करते रहिए। और प्लीज़ आप लोग ज़रूर बनाइएगा, एक बार बनाइएगा तो बार बार मन करेगा कि बनाएं।